अपने मानदेय की मांग को लेकर लोहाघाट में राशन डीलरों ने किया प्रदर्शन। 7 फरवरी से 72 घंटे का करेंगे कार्य बहिष्कार। अपनी मानदेय राशि को बढ़ाने की मांग को लेकर लोहाघाट में राशन डीलरों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर राशन डीलर संगठन के जिलाध्यक्ष प्रकाश बोरा के नेतृत्व में मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आपात बैठक करके प्रदर्शन किया है। जिलाध्यक्ष प्रकाश बोरा ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर जिले के सभी राशन डीलर 7 फरवरी से 72 घंटे का पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करेंगे और आगामी 22 मार्च को दिल्ली में देश के सभी राशन डीलर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैनर तले लोकसभा का घेराव करेंगे, जिसके लिए अभी से सभी डीलरों को तैयार रहने का आह्वान कर दिया गया है। प्रकाश बोरा ने चंपावत जिले के सभी राशन डीलरों से 7 से 9 फरवरी तक अपनी अपनी दुकानें बंद करने की भी अपील की है और इसके साथ ही चेतावनी भी दी है कि जो भी दुकानदार कार्यकारिणी के इस निर्णय को समर्थन नहीं करेगा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बोरा ने कहा कि इस बार देशव्यापी आंदोलन के जरिए राशन डीलरों की लड़ाई सरकार से आर पार की जाएगी। राशन डीलरों का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन करने वालों में सलीम जावेद, विक्रम सिंह, राजेंद्र फरतियाल, राजीव मुरारी, विपिन गरकोटी, केदार दत्त, लाल सिंह इत्यादि लोग मौजूद थे। इसमें जो है कि हमारे ये जो मानदेय की मांग चल रही है ऑल इंडिया प्राइस फेयर शॉप के तत्वाधान में, जो हम केंद्रीय कार्यकारिणी के द्वारा जो पूरे उत्तराखंड या पूरे ऑल इंडिया में जो पूर्ण 7, 8, 9 की जो पूर्ण हड़ताल होनी है उसके लिए जनपद चंपावत के सभी डीलर भाई उनकी तरफ से हम अपनी प्रदेश कार्यकारिणी को पूर्ण समर्थन देने का वादा करते हैं। बताएगा 7, 8, 9 तीन दिन का पूर्ण बंद का रहेगा और हमारे डीलरों का पूर्ण कार्य बहिष्कार रहेगा, जिसमें जनपद चंपावत के समस्त डीलर उस हड़ताल में सम्मिलित रहेंगे। लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह, बेस्ट की रिपोर्ट।